हेलो दोस्तों, तो शाम का टाइम है और कबूतरों को खोल रहा हूँ, मैं देख रही तो आप ये तो इनको दाना पानी करते हैं। और एक और बात बतानी थी आपको, बताऊँ अभी ड्यूटी को आगे बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले तो कबूतरों को देख लो, ये पानी बंद कर देता हूँ पहले। ये देखो, ये फीमेल वाली लाल वाली फैंसी है, ये सिराजी लग, मेरे को लगती सिराजी होगी है, क्योंकि पूरा इसका जो हैरी गर्दन तो लाल ही है, लेकिन सिराजी कबूतर होगी है। और ये पंजाबी वाइट वाला, और ये बच्चा ही है, ये इसकी माँ थी। और इसका नाम तो भाई गया है, पता ही आपको, पिछली वीडियो में डाल दी तो आपने देखा ही था। और एक और बच्चा बीमार हो गया, उसको मैंने अलग रखा है। ये बच्चा है ना, ये वाला, इसी के साथ एक बच्चा था, इसकी भी शो कर दूंगा उसका फ़ोटो। वो बच्चा बीमार हो गया, उसको नीचे रखा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, देखते बच्चा बचता या नहीं बचता। और यहाँ पर मैंने रोटी काट रखी है, सुबह की रोटी दी है, उसमें कबूतर के लिए रोटी बिल्कुल फ़ायदेमंद होती है, देखता भैया। और बीमार कबूतर होते हैं, बीमार कबूतर को रोटी खिलाना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी पचा लेते हैं, और बाजरा गेहूँ खिलाओगे तो पचा नहीं पाते, इसलिए बीमार कबूतरों को रोटी खिलानी चाहिए, और रोटी वैसे फ़ायदेमंद ही होता है। तो आज रोटी को खिला रहा हूँ, देख सकते हो, अब चार ही कबूतर हैं ऊपर। एक और बच्चा बीमार हो गया, वो नीचे चला गया, देखते हो ठीक होता नहीं होता है। चार ही कबूतर बच्चे ऊपर, और नीचे एक पंजाबी जोड़ा है, बस वही रखा हुआ है, और उसका एक बच्चा निकला हुआ है। तो देख सकते हो अभी ये दाना खा रहे हैं, और पानी मैंने बंद किया हुआ है, और पानी को दूसरा बदलूँगा अभी, क्योंकि मैं सुबह का टाइम पानी बदल देता हूँ और शाम के टाइम पानी बदल देता हूँ। फ्रेश पानी होना तो सही रहता है, बीमारी से बच जाते हैं। और ये आज रोटी मैंने नीचे डाल दिया, क्योंकि ये जो इसमें डाल के देता हूँ ना बर्तन में, ढक्कन में, वो थोड़ा बिजी था, इसमें गेहूँ रखा हुआ था, इसलिए नीचे ही डाल दिया। तो छत साफ ही है, छत भी साफ कर देता हूँ डेली, ये देख सकते हो आप, ये चाय कबूतर बचे हैं। और इसमें बस देखो, तीन तो फिर ये वाली लाल वाली फीमेल ये, और ये वाली फीमेल है, और ये वाइट वाला मेल है, और ये बच्चा मेल ही बनेगा ये वाला। तो इनको पानी चेंज कर दिया, और इनको पानी नया पानी डाल देता हूँ, इस हिसाब से नया पानी डाल रहा हूँ इसमें। और इसमें एक दवाई डाल के पिलाऊँगा, तो दिखाऊँगा क्या कौन सी दवाई है, क्या दवाई के क्या फ़ायदे हैं। तो एक लीटर पानी मैंने डाल लिया इसमें, एक लीटर सवा लीटर हो गया। और देख सकते हो आप दोस्तों, ये हिमालय का ली 52, तो लीवर के लिए होता है, और खाने के पाचन के लिए सही रहता है, ये खाना पचाने के लिए और लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हफ्ते में दो बार देखो तो ठीक रहेगा, वैसे एक हफ्ते में एक बार भी चल जाता है, तो एक लीटर 5 ml मिला के देता हूँ मैं। तो देख सकता हूँ, एक लीटर पानी है, और इसमें 5 ml मिला दूँगा, थोड़ा और ज़्यादा और मिला दूँगा, तो ढक्कन पूरा सही से मिला के पानी मिला दूँगा। तो मैं हफ्ते में एक ही बार देता हूँ, और दो तीन हफ्ते देर ही आता, दवाई ख़त्म हो गई थी, तभी नई दवाई लेके आया था, तो मैं वीडियो डाल देता हूँ, तो थोड़ा सा और डाल देता हूँ इसमें दवाई। तो देख सकते हो भैया, ये हो गया पानी तैयार ली 52 का। तो हफ्ते में एक बार देता हूँ ये, और एक बार मल्टीविटामिन देता हूँ, तो एक बार कैल्शियम, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, मिल जाएगा दवाई सही से। तो देख सकते हो भैया, पानी तैयार, ढक्कन लगा देता हूँ, और इतना खोल लेता हूँ, क्योंकि पूरा खोल दूँगा तो वीडियो कर देंगे, इसलिए ऐसा करता हूँ। तो बस वही दोस्तों, देखिए बच्चा एक बीमार हो गया, और ठीक हो जाए बस यही दुआ करना। इसी से बच्चा था, ये वाला बच्चा दिखाई दे रहा है ना, और इसके लिए एक मेल लेकर आना है, ये रेड वाली जो फीमेल है ये, और इसके लिए मेल लेकर आना है, इसका मेल भाग गया, ये वाला देख सकते हो अभी जो पानी पी रही है, इसके लिए मेल लेकर आना है, दो मेल लेकर आना है, इतना पट्ठा है अभी, डेढ़ महीने का है अभी। तो बस ये देख सकते हो, बस वही सीन हो गया, 4 बच्चे हैं बस टोटल, अब देखो ठीक होता है कि नहीं होता। काला बच्चा, काला दोबारा बिल्कुल मस्त बच्चा था वो भी, तो देखते हैं क्या होता है अब, और लेके आने की कोशिश करूँगा। बस मैं ज़्यादा कबूतर रखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचता था ऊपर एक जोड़ा रहेगा, एक दो जोड़े रहेंगे सही रहेगा। देखो यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गया इन दोनों का, पता नहीं हमेशा लड़ाई करता है, जब भी खोलो हमेशा लड़ाई, लेकिन दोनों खाने के फिक्स थे, फिर भी लड़ाई करते रहते हैं। ये ऊपर आके बैठ गए, ये लाल वाली वैसे ज़्यादा मारती है इसको लाल वाली बहुत ज़्यादा मारती है। ये देखा भी है, इसका खाना यही है, यहाँ पर ऐसा खाना ये वाला है, और ये बच्चा है, इसका बच्चा ऊपर रहता ही है, और लाल वाली इसमें इस खाने में रहती है ये। तो ये देख सकते हो मेरे भजी, और इनको भी दाना पानी डाल दिया, और ये खा के बैठे हुए हैं, देख सकते हो ये। तो वो दो फ्लोर का है, ये जो जाल है मेरे पास दो फ्लोर का है, नीचे भी है, नीचे होंगे 10-12 बच्चे टोटल, 10-12 नीचे हैं, और ऊपर 8 है, ऊपर 4 पेयर हैं, और नीचे 2 पेयर, और बाकी सब बच्चे पट्ठे वगैरह हैं। ये देख सकते हो,
ये देखो बाहर से दिखा देता हूँ, अगले वीडियो में कोई अंदर दिखाऊंगा। ये देखो तो ये फीमेल है, ये हमेशा दो तीन बच्चे हमेशा निकालती है। ये नया पे आई है, ये देखो बच्चे देखो दिखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।